हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल वर्या, AMS ड्रिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के इस लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, कौन कौन से मेथड होंगे और उसके बारे में वर्कआउट होगा और कुछ प्रॉब्लम्स को भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत होगी, तो हम कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट की लेट फाइव डी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, lineal differential equation with constant coefficient। अब देखिए, सिंपल सा वर्क है कि अगर हम जनरल सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं तो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, ये समझना है कि जनरल सॉल्यूशन इज व्हाट। जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हमने लिखा था, इज वाई इज इक्वल टू जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। दो पार्ट में जनरल सॉल्यूशन डिवाइड होता है, वाई इज मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल से ये वाई, ठीक है, वेयर डी इज इक्वल टू व्हाट, डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स आपका। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब हमें इस लेक्चर में हमें इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए सीखना है कि हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। तो देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज डिफाइंड एज, इस तरह से होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज डिफाइंड एज वन अपॉन फाइव डी एंड राइट हैंड साइड में जो ये फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल इनटू एफ ऑफ एक्स, यही हमका पर्टिकुलर इंटीग्रल्स है। तो ये हमारा, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स इज इक्वल टू, इसको डिपेंड करते हैं, वाई पी से भी डिनोट किया जाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल शॉर्ट फॉर्म है, और इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव डी इंटू एफ ऑफ एक्स। अब x की वैल्यू क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होगी उस कंडीशंस पे, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को क्रिएट करता है, ठीक है, कि f ऑफ x क्या है, व्हाट इज द f ऑफ x, f x एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अकॉर्डिंग f x ये मेथड चेंज होंगे। तो बहुत सारे मेथड हैं हमको फाइंड आउट करने के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलरेडी हम निकालना सीख चुके हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल पे फोकस हमारा है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू होता है 1/5d f ऑफ x। अब जो है मेथड, जो जनरली हमारे पास मेथड कौन-कौन से हैं उनको हमें समझना है कि हमारे पास जो मेथड ऑब्टेनिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल कौन-कौन से हैं, ठीक है। तो मेथड्स जो हमारे पास हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, मेथड्स में हमारा पहला है जनरल मेथड, ठीक है, फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय जनरल मेथड, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है शॉर्टकट मेथड, और तीसरा हमारे पास आता है, दैट इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट है आपका, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट्स, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में इस मेथड पे फोकस करने वाले हैं कि मेथड, जनरल मेथड से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि इस मस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा वर्कआउट कि जनरल मेथड से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, जनरल मेथड पे हम बात करते हैं कि व्हाट इज द जनरल मेथड। तो हम इसके फार्मूले पे बात करते हैं, फिर इसके बाद इस पर हम प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टेक्निक्स है उस पर हम फोकस आउट करते हैं कि जनरल मेथड। तो मान लीजिए हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कि d-m, ठीक है, d-m into y is equal to f of x, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, बी ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके,
दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये लीनियर फैक्टर है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हम कैसे डिफाइन करते हैं, वन अपॉन वाई डी और एफ ऑफ एक्स जो राइट हैंड साइड में है, इट मीन्स कहने का सेंस हुआ कि डी माइनस एम एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। लेकिन अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इस पर हमें फोकस करना है। तो मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर, ये आपका वन है, क्वेश्चन नंबर टू है स्टूडेंट। इस इक्वेशन वन के सोल्यूशन पर हम फोकस करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन वन है ना, इसका सोल्यूशन हम क्या करते हैं, डी माइनस एम इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, देखिए अब हमारा जो जनरल सोल्यूशन, इस पर फोकस करते हैं कि जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आप ये जानते हो, वर्कआउट होगा कि जनरल सोल्यूशन, इसकी बात हम करें अगर जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन हमें पता है कि y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर थ्री। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इससे फाइंड आउट कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारे पास फाइंड आउट होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, d माइनस एम इज इक्वल टू जीरो, तो इंप्लाइड दैट d इज इक्वल टू m, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारे पास फाइंड आउट हो गया कि c1 e के पावर mx, ये हमें मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बट व्हाट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, अब इस पे वर्कआउट्स करना है। इक्वेशन थ्री हो गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आई इक्वेशन नंबर जो ये है आपके पास स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा डी माइनस एम जो है ना, डी माइनस एम मतलब डी माइनस एम वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। मान लीजिए इक्वेशन नंबर फोर है, d की वैल्यू आपको पता होती क्या है, d बाई डी एक्स। ओके, तो d वहां पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एम वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर फाइव, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम कैसे सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं ये ध्यान रखिए। तो इसका कंपैरिजन आप कर सकते हो कि dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q से। ओके, तो py इज इक्वल टू q, जो मेन फोकस ऑफ फ्रेम है कि p इज इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं, तो p इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस m, एंड q इज इक्वल टू होगा आपका f ऑफ x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होगा, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है, तो इंटीग्रेशन e के पावर ऑफ माइनस mx हो जाएगा आपका, ठीक है, dx कर देंगे, p की वैल्यू m है, dx का x हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन देखिए, जनरल सॉल्यूशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e के पावर ऑफ माइनस mx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पोर्शन मतलब q f ऑफ x इनटू e के पावर, देखिए e के पावर क्या होगा, माइनस एम एक्स डी एक्स, ठीक, n प्लस कांस्टेंट होता है, हम c1 जोड़ ऐड कर लेंगे। अब y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू व्हाट, ये c1 है तो यहां पे आ जाएगा c1 e के पावर एम एक्स प्लस e के पावर एम एक्स एंड इंटीग्रेशन e के पावर माइनस एम एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए दैट इज द इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए इक्वेशन नंबर हमारे पास है फाइव, और हमने एक जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू होता है क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स जो हमारा स्टूडेंट, अब देखिए वर्कआउट है, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये वाला जो पोर्शन है आपका क्या है, सी एफ है, और ये जो बच गया आपका क्या है, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल्स है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की वैल्यू ये हो गई हमारी, यहां से इसको कंपेयर कर लेंगे तो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको मिल जाएगा। मतलब हियर जो है आपका, हियर c1 e के पावर mx, ठीक है, इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड e के पावर mx इंटीग्रेशन e के पावर माइनस mx f ऑफ x dx, ठीक है, मस्ट बी पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल्स था, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन डी माइनस एम
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक प्रॉब्लम, e की पावर यहां पर एम एक्स, ओके ब्रैकेट इंटीग्रेशन हियर e पावर माइनस एम एक्स एफ ऑफ एक्स dx, ओके ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो जब जनरल मेथड्स की बात होगी तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, दैट इज द yp। इसी तरह पर्टिकुलर इंटीग्रल्स या yp इज इक्वल टू, अगर यहां पे आपका क्या होगा d प्लस m हो जाए और हियर इज एफ ऑफ एक्स हो, तो यहां पे क्या होगा, अब प्लस है यहां, देखिए माइनस था तो यहां पे प्लस आया था, यहां पे प्लस है तो यहां पे आएगा माइनस एम एक्स इंटीग्रेशन e के पावर हियर एम एक्स, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स हो गए पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की। तो इस तरह से ये वर्कआउट होगा स्टूडेंट। तो फार्मूला हमारा मिल गया, जनरल फार्मूला जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के लिए मिल गया है कि इस तरह से इसको वर्कआउट किया जा सकता है, ओके दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो बहुत बेसिक सा वर्कआउट है जिसको कि आप इस तरह से कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है, ठीक है, दैट इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की बात हो गई। अब मान लीजिए अगर m इज इक्वल टू हमारे पास जीरो हो जाए, m इक्वल टू यहां पर जीरो हो जाए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा yp इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू जीरो रख देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, वन बाई डी एफ ऑफ एक्स। तो हियर e के पावर अगर जीरो रख देते किसी इन दोनों में कहीं पर भी, मान लीजिए इस वाले पोर्शन में रख दे रहा हूं मैं, तो यहां पर रख देंगे तो e के पावर क्या आ जाएगा, जीरो, इंटीग्रेशन e के पावर ऑफ जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इट मीन्स ये क्या मिल गया आपका, वन अपॉन डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सिंगल डी अगर आपके पास है डिनोमेटर्स में तो इसकी जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, इंटीग्रेशन के साथ इसका एफ ऑफ होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि यहां पर अब वाई पी इज इक्वल टू मान लीजिए यहां पर डी स्क्वायर आ जाए, डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो अब क्या करेंगे, तो ये देखिए डी स्क्वायर है मतलब इसका डबल इंटीग्रल होगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और जो ये रिजल्ट मिलेगा इस फिर इसका फिर से हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया कि अगर फिर पहले क्या होगा, इस डी वाले का एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा उस रिजल्ट का फिर से आपको इंटीग्रेशन यहां पर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से वर्कआउट। मान लीजिए तीसरा अगर हम कर लें कि y ऑफ p इज इक्वल टू वन अपॉन डी क्यू एफ ऑफ एक्स, आपके पास डी एक्स अवेलेबल है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, इसका थ्री टाइम्स इंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन फिर इंटीग्रेशन एंड ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक, ब्रैकेट अब फिर से डी एक्स होगा और ब्रैकेट क्लोज फिर से डी एक्स हो जाएगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, थ्री टाइम्स पहले जो रिजल्ट मिलेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, आफ्टर देन फिर वन बाई वन पार्ट बाई पार्ट होगा, तो ये इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको कि हमें हम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जनरल मेथड्स हमारा पास क्या होता है, जनरल मेथड्स को हम यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो आइए अब इसके वर्कआउट्स पे आते हैं हम, जिससे कि हमारा रिजल्ट क्वेश्चंस और बेसिक फंडामेंटल आसानी से हम कर सके, ठीक है। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक क्वेश्चंस को लेते हैं जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर वन पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन वन, ठीक है, वर्कआउट्स है कि सॉल्व डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स, थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई के पावर ऑफ एक्स, ई के पावर ऑफ एक्स, दैट इज द मेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, बहुत बार आपसे पूछा हुआ है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन इसको सॉल्व करना है टोटल, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की बात होगी, तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे बात करेंगे, तो पहले फर्स्ट इसको इन टर्म ऑफ डी लिखना होगा, तो डी इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है, तो डी बाई डी एक्स हो गया, तो यहां पे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो डी स्क्वायर वाई प्लस थ्री डी वाई प्लस टू वाई
इज इक्वल टू ई के पावर ऑफ एक्स, यहां से डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू इन इज ब्रैकेट क्लोज हियर वाई इज इक्वल टू ई के पावर ऑफ एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फर्स्ट, ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण जिसको हम कहते हैं, सहायक समीकरण, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमें फाइंड करना है, तो दैट इज वैल्यू इज फाइव ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो, तो फाइव डी हमारे पास यहां पर है, डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास है। देखिए डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसका फैक्टर हमें करना है, डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस डी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एंड फाइंड आउट जनरल सॉल्यूशन हियर, तो ये फैक्टर हो जाएगा डी प्लस टू एंड डी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइड दैट इज डी इज इक्वल टू माइनस वन एंड डी इज इक्वल टू माइनस टू, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सॉरी ऑक्सिलरी इक्वेशंस फाइंड आउट हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो दैट इज द सी वन ई के पावर ऑफ एम वन एक्स प्लस सी टू ई के पावर ऑफ एम टू एक्स, तो सी वन मतलब ई के पावर माइनस एम एक्स हो जाएगा, तो एम एक्स हो गया, प्लस सी टू ई के पावर ऑफ माइनस टू एक्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात है कि जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, तो वन अपॉन फाइव डी और एफ ऑफ एक्स होता है, तो फाइव डी हमारे पास जो राइट हैंड साइड में इस डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू और एफ ऑफ एक्स ई पावर ऑफ एक्स है, तो इस फैक्टर को हम फाइंड करते हैं फर्स्ट, ये जो डी स्क्वायर प्लस थ्री डी दिया हुआ है, तो वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस, तो इस वर्कआउट फैक्टर इसका हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट, डी प्लस टू एंड डी प्लस वन एंड इज हियर ई के पावर ऑफ एक्स, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत बेसिक से करिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको पार्ट में ब्रेक करते हैं, वन अपॉन डी प्लस टू को पहले हम आउटसाइड रखते हैं, इनसाइड आते हैं, डी के पावर डी प्लस वन एंड इज ई पावर ऑफ एक्स, ठीक। अब इसमें हमें फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना है कि हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था उसी फार्मूले को यूज करेंगे, ई के पावर डी प्लस एम एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स है इसके इस पर फोकस करना है कि हमारा जो पर्टिकुलर होगा इस तरह का है, तो हम ऐसे क्या करते हैं, तो डी पावर एम इजियर है, तो बहुत बेसिक है वर्कआउट, ई के पावर ऑफ माइनस एम एक्स इंटीग्रेशन ई के पावर एम एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये है आपका इसके अकॉर्डिंग वर्क, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है यहाँ पर बनता है ये, तो देखिए वन अपॉन डी प्लस टू होगा स्टूडेंट, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ई यहाँ पे ई के पावर एम माइनस, मतलब एम की वैल्यू यहाँ पे क्या है वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई के पावर ऑफ माइनस एक्स इंटीग्रेशन ई के पावर ऑफ यहाँ पर एक्स और फिर ई के पावर एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है और इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है कि वर्कआउट हमें कैसे करना है, तो दिस इज वन अपॉन डी प्लस टू, देखिए अब इन साइड जो इंटीग्रेशन है, अगर हम ई पावर एक्स को टी कंसिडर कर लें तो हमारा वर्कआउट बन सकता है कि जैसे ई पावर ऑफ एक्स को हमने टी कंसिडर कर लिया कि जियर कि लेट ई पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो ई के पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा डी टी, तो यहाँ पे ई के पावर माइनस एक्स तो रहेगा इंटीग्रेशन, अब देखिए ई के पावर एक्स डी एक्स जो है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिलकर हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा ई के पावर ऑफ टी dt, ओके, एंड वन अपॉन डी प्लस टू ब्रैकेट ई पावर ऑफ माइनस एक्स एंड ई के पावर ऑफ टी वर्कआउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई पावर ऑफ टी की वैल्यूज को रख देंगे, तो यहां पर जो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, ई प्लस डी प्लस टू
ब्रैकेट e के पावर ऑफ माइनस एक्स और e के पावर ऑफ x, ये फंक्शन आपको मिल गया, दैट इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। अब फिर से यही फार्मूला, जो ये वाला फार्मूला है, इसको इंप्लीमेंट फिर से कर देंगे और जो आगे रिजल्ट होगा इस पर फोकस करेंगे। देखिए तो यहां पे क्या आ जाएगा, e के पावर 2 है, तो मतलब यहां पर जो वर्क है e के पावर ऑफ माइनस 2x, ठीक, इंटीग्रेशन e के पावर 2x, e के पावर ऑफ माइनस x, e के पावर ऑफ x dx हो गया आपका रीअरेंजमेंट, ये माइनस mx हो गया और mx is, अब इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए और वर्कआउट आपको मिल जाएगा, दैट इज हियर, इसको सिंप्लीफाई कर लिया e के पावर ऑफ माइनस 2x एट इट इज ब्रैकेट, सॉल्व कर लीजिए e के पावर ऑफ x एंड e के पावर ऑफ x, ठीक है, इंटीग्रेशन हियर एंड दिस इज dx। अब ये इंटीग्रेशन जब हम इसको कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा e के पावर माइनस 2x एंड e के पावर ऑफ x, दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, जैसे ऊपर हमने किया था वही आपका ये वर्कआउट होगा e के पावर ऑफ माइनस 2x इंटीग्रेशन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है, तो जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, जनरल सॉल्यूशंस प्लस y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अब ये जो वर्कआउट है, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, c1e के पावर माइनस x प्लस c2e के पावर माइनस 2x, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज हियर e के पावर माइनस 2x e के पावर ऑफ x, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट आंसर विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से स्टूडेंट जनरल मेथड का यूज करके हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू।